चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, आप उनसे टेस्टों का भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो मेरे नए नए कोर्सेज है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग है आपका, और अमनदीप कोड यूज कर सकते हैं, थोड़ा आपकी फीस कम हो सके। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम और एमसीक्यूज करने वाले हैं, और थोड़ा सा सीरीज को ना और आगे बढ़ा रहे हैं। ब्लैक सीरीज ही मैंने स्टार्ट करी है, तो ब्लैक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एलिसा टेस्ट डिटेक्ट करता है इसमें से कौन से डिसीज को, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी सभी बताइए आप। अच्छा, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन आंसर। देखिए ऐसे ना क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें से जो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन जो है किसके द्वारा स्टार्ट बनाएगी सबसे पहले, तो आंसर है जॉनसन। ठीक है, आंसर जॉनसन। एक क्वेश्चन आपको बन सकता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आईएमएफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिएगा। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब के हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको मिलेंगे। जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ पे, ठीक है, तो ये सब सवाल मिलेंगे। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, वॉशिंगटन डीसी। तो मैं आपसे कह रहा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये आपका वियना में है, मनीला में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो मतलब मेजर है, और इधर यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ। तो ये आपको 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब इनमें से कोई सा भी। बेटा एक बार वीडियो को शेयर कर रहा हूँ सभी के सभी, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, एक ना बेस से स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, है ना, बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो एक बार बेस से स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। चलिए आगे बताइए, अमान जो है कैपिटल, अमान इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, कौन से देश की कैपिटल सिटी। कहाँ गायब हो गया आज बल अक्सर भी के सभी, मैंने संडे को ऑफिस से रखा था थोड़ा सा, ठीक है, हेल्थ इशू थे और अभी भी हैं थोड़े बहुत, तो लेकिन फिर भी क्लास स्टार्ट होगी है मंडे को, है ना, 10 बजे भी क्लास होगी, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो सभी के सभी। अमान जो है कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा,
वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीवराइल आइलैंड बजुली आइलैंड है, ये कौन सी नदी में बना? देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसमें रिवराइन आइलैंड ये सब चीजें बता, ठीक है? आप जैसे कहते हो ना केवल लम जाओ, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? वो कहीं ना कहीं देखो अभी जो एग्जाम है अभी कुछ टारगेटेड इतना स्पेसिफाई नहीं है जितना पहले जेई, ठीक है? लेकिन हाँ, और बाकी के एग्जाम भी आप शायद दे ही रहे होंगे, है ना? तो उन सब एग्जाम को कवर कर लेते हैं हम थोड़े दिन, जब तक रेलवे का वैकेंसी नहीं आया था या फिर RRB जेई या ऐसे एग्जाम नहीं आते, है ना? चलिए आंसर है ब्रह्मगुप्त। यह भी लेटेस्ट एक पेपर में भी आया था, स्टेनो में भी। सुसाइडल बैग जो है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? सुसाइडल बैग की अगर मैं बात करूं, तो देखो सुसाइडल बैग, देखो तीन चार नाम इसके मिल सकते हैं, ठीक है? पहला डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग हो सकता है। दूसरा डाइजेस्टिव बैग, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग। तीसरा एटम बॉम्ब, ठीक है, ये तीन नाम इसके बोल सकते हैं, ठीक है? और आंसर है लाइसोजोम, ठीक है? आंसर है क्या? ठीक है, लाइसोजोम आंसर है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, ठीक है? और भी राइबोसोम आ सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, किसे होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, कपरवास बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपने ये सुना होगा कि भाई कलेश्वर बर्ड सेंचुरी, कलेश्वर कहाँ पे है, नेशनल पार्क, है ना? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इस तरीके से कपरवास नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये तीनों के तीनों, कलेश्वर, सुल्तानपुर, ठीक है ना, बिंदवासा, क्या है बिंदवासा, कलेश्वर, सुल्तानपुर, ठीक है, और ये हरियाणा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अभी जेई का नया अलेक्सा, ये अब मेरे भाई जो क्वेश्चन है ये दूसरे एग्जाम्स के लिए, डीडीए और चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से तो अर्जुन बैच में नहीं थे जिसमें क्वेश्चन कराए। रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए जल्दी से बताइए। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है तो वो है अल्ट्रा वायलेट्स, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, तोमकच जो है ये फोक डांस है किस स्टेट का? वो डांस पे क्वेश्चन अमूमन आते हैं, ठीक है? देखो इस बार SSC JEE का पेपर मुश्किल आया, बहुत ज्यादा मुश्किल आया, हद मुश्किल जिसे कह सकते हैं वो, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन देखे गए हैं, समझे गए हैं, ठीक है? बट ऐसा भी नहीं कि कुछ ना हो पाए, ठीक है? 20 से ऊपर तो सबने किया, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने, बहुत स्टूडेंट। आंसर है बिहार, इस क्वेश्चन का आंसर बिहार, इस क्वेश्चन का आंसर। देखो डोमकच के साथ साथ बिहार का पूर्वी भी हो सकता है, बनवारिया भी हो सकता है, ठीक है, विदेशिया भी हो सकता है, जातिन भी हो सकता है। ये 1 2 3 4 और ये 5, डोमकच 5 है, ये 5 डांस है ना, ये 5 डांस। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? तुम टेंशन ना लो क्योंकि जब इतना एग्जाम मुश्किल आया तो सबका ही मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, कट ऑफ भी जीके की थोड़ी सी कमी जाएगी कि मतलब कम ही लोग बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे। फंक्शन ऑफ चोक, ठीक है, यहां से ये चौक का क्या फंक्शन होगा?
चोक का क्या फंक्शन होता है? चोक का फंक्शन होता है कि जो अल्टरनेटिव करंट है ना, उसको इम्पीडेंस देना, ठीक है, उसका जो प्रतिबाधा है, ठीक है, उसको रोकना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, चौक गोदावी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। गोदावी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? आंसर है कर्नाटका। गुड मॉर्निंग भाई सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप बड़े मतलब कल छुट्टी रही पूरे दिन, ठीक है, और परसों भी लास्ट में क्लास आपको नहीं हुई थी, ठीक है। आइए हम मंडे से स्टार्ट कर दे रहे, 10 बजे मेरी क्लास हो, ठीक है। GS में मेरे 26 आए हैं 50 में से, तो ये सही है स्कोर, ठीक है, 20 से ऊपर होने चाहिए अपने। कर्नाटक इस क्वेश्चन का आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट, ठीक है, जो प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम से होता है, ठीक है, और फूड वाला कॉलम से, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, एक और क्वेश्चन देखिए। 400 ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? सर GS में 42 अटेम्प्ट किए, 35 करेक्ट, ठीक है, ये भी ठीक है स्कोर, 35, ठीक है स्कोर। ब्रह्मो समाज राधा रामोहन रॉय, देखो जैसे इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन है, दयानंद सरस्वती अपना आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज हमारा अमित्य सभा भी है, ब्रह्मो समाज भी है, तो चार पांच क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी सोलर सिस्टम की किसने करी? कॉपरनिकस ने, उसके बाद आर्यभट्ट ने, जीवा एनोल, कैपलर का तीन लो, ठीक है, मतलब सर्कुलर जो पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, सर्कुलर पैराबोलिक पाथ अराउंड द सन, ये सब लो, ठीक है, न्यूटन के तो तीन ही है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया चाइना में है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है ये मुश्किल है, जेंगटेस है, ठीक है, जेंगटेस है, ठीक है, ये भी कुछ है ऐसे, जैसे ज़ेयार रिवर जो है इसका दूसरा नाम क्या है? कोंगो, कोंगो रिवर, ये कहाँ पे है? कोंगो रिवर है, जैसे ज़ेयार रिवर पे पराना पे तो इतना आता क्वेश्चन, येलो रिवर पे आ जाता है चाइना की तरफ, चाइना की तरफ ज़ेयार रिवर, कोंगो रिवर है, ये कहाँ पे? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में, ठीक है, कोंगो देश है, अफ्रीका में कोंगो देश है, कॉन्टिनेंट में। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट? देखो प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब क्या है कि जो गवर्नेंस है, मतलब जो सरकार चलाई जाएगी राज्य की, वो गवर्नर चलाएंगे, उस गवर्नर चलाएंगे उस समय की, भाई गवर्नर के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि उनको जो है सरकार चलानी है। देखो प्रेसिडेंट रूल क्या है, आर्टिकल 352, 356 और 360 में से 356 है बेसिकली, इसको हम दो नाम से ले सकते हैं, या तो प्रेजेंट रूल कह सकते हैं, या तो तीसरा तीन नाम ही दे सकते हैं, स्टेट रूल कह सकते हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, सॉरी इमरजेंसी कह सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जा सकता है, ये आर्टिकल 356, ठीक है, और आर्टिकल 352 को हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, 360 को फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। हैरी पॉटर की बुक्स किसने लिखी? ये आसान है, जेके रोलिंग। वर्ल्ड बिलीव इज फील्ड, ये भी सुना हुआ है, तो कुछ चीजें सुनी हुई है तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। जल्दी जल्दी आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, आंसर वर्ल्ड बिनीथ हिज फीट, आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर पुलेला गोपीचंद, देखो जितने व्यक्ति है ना उनके ऊपर, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं किताब लिखी, ठीक है, लास्ट रेस ऑफ माय लाइफ कुछ इस तरीके का मेरे ख्याल से मिल्खा सिंह का ही है, ठीक है। चेतन आनंद तो आपको पता ही है ना, बेलगांव सिटी महाराष्ट्र में है, ये कौन सी नदी के किनारे है? मतलब बेलगांव सिटी, ये थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है, बेलगांव सिटी ऐसा है, बेलगांव सिटी कभी कभी बस ये आता है कि भैया बेलगांव सिटी कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ना, ये पूछ रहा है किससे नदी गिरा है, तो आंसर है गिरना, ठीक है भाई, गिरना इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखना कौन सी नदी, गिरना नदी, ठीक है, गिर गया कपड़े गंदे हो गए, मैल लग गई, बैटल ऑफ ओरिच, आपको एक बैटल ऑफ अनेन करा दिया, ठीक
इट्स इन स्पेन, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से कल ही कराया था एक बैटल ऑफ कुछ कुछ ना कुछ कराया बैटल का कुछ, तो बैटल ऑफ ऑरेंज इटली से, बैटल ऑफ स्पेन, बैटल ऑफ ऑनियन, बैटल ऑफ टमाटो, ये जो है ये स्पेन में। अरे शंघाई फेस्टिवल कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस क्वेश्चन आंसर में। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का मणिपुर, ठीक है। मणिपुर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफेयर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए। देखो डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफेयर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है इस क्वेश्चन का डस्ट पार्टिकल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डस्ट पार्टिकल, ठीक है। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का डस्ट पार्टिकल। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये देखो ऐसे डेट्स वाले क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, किस दिन, 29 अगस्त को। एक और क्वेश्चन देखिए, KNO4 कैन बी यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें जितने भी डी रेट्स हैं सारे ही बता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये KNO4 डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है कि भाई डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। चलो देख कौन सा एलिमेंट है जो सन के एटमॉस्फेयर में पहली बार स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख डिटेक्ट हुआ था। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने लिया था, ये कंसेप्ट लिया था सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन जी के द्वारा दिया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इन्होंने जो डिटेक्ट किया था रेडबल्ब डीएम, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखिए, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द लाउडनेस, मतलब लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि पिच की बात हो रही है, आंसर फ्रीक्वेंसी है, लाउडनेस की बात होगी एम्पलीट्यूड की, तो ये आंसर, ठीक है। बताइए वेपर स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इट टू सॉलिड, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट चेंज इन वेपर स्टेट विदाउट एनी चेंज इन सॉलिड, मतलब बेसिकली सब्लिमेशन की बात कर रहा है, सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में चेंज होगा बीच में, ठीक है, लिक्विड वर्ड कि भाई लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एनोड ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ड्राई सेल जो होता है ना, जो कॉमन सेल होता है ना, अरे वो, और इसमें जो लगता है एनोड में वो क्या लगता है, कमेंट करिए। देखिए उस दिन जो क्लास हुई थी ना वो अधूरी क्लास थी, और हमारी ब्लैक सीरीज के क्वेश्चन ही चल रहे हैं अब ये नई सीरीज में, तो हमें ये करने पड़ेंगे इसमें भी, है ना, इसी में करेंगे और लगातार इसी में ही चलेंगे। पीडीएफ मैंने बहुत बड़ी डाली थी इसकी, लेकिन चलेंगे ही। आंसर है जिंक, ठीक है, जिंक का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टेट जहां पे सरिस्का टाइगर रिजर्व, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखो सरिस्का हो गया, ठीक है, इसके अलावा रणथंबोर हो गया, ये सब राजस्थान में है ना, रणथंबोर भी है, सरिस्का भी है, राजस्थान में ये सब, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, पता है इस क्वेश्चन का आंसर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसके ऑथर कौन है।
चल, तो आंसर इस क्वेश्चन नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। एक और क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी जी, ट्रुथ ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑल ये सब। ठीक है, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, इनके द्वारा भी कुछ किताबें लिखी गई, फेमस किताबें हैं, उनको पता होना चाहिए वो ना। कमेद माउंटेन पीक जो है ये कहाँ पे? देखो, अगर मैं कमेद माउंटेन पीक की अगर बात करूं तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, बेटा किस एग्जाम के लिए? राकेश, एग्जाम बताओ, है ना? एग्जाम बताओ एक बार ना, फिर बताते हैं आगे। तो देखो, नरोदही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, वेयर इज नरोदही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चलो, तो आंसर इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आंसर है। आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन देख, कह रहा माइनॉरिटी राइट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? ठीक है, जो अगर मैं कहूँ भी मैं माइनॉरिटी राइट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, तो माइनॉरिटी जो है 18 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया था। ये मुश्किल है क्वेश्चन ना, ये वाला मुश्किल है, आता भी है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ये पता है सभी को, 27 तारीख को, 27 सेप्टेम्बर को। ठीक है ना, कुछ चीजें होती है जो बार बार रिपीट होती है याद हो जाती है, कुछ चीजें बार बार रिपीट नहीं होती तो याद नहीं होती, तो वो माइनॉरिटी वाला ऐसे ही क्वेश्चन, फिर भी कहीं को पता। चाहे बताइए, ये आसान है, डू और डाई स्लोगन महात्मा गांधी जी का स्लोगन है। ठीक है, जय हिंद स्लोगन सुभाष चंद्र बोस जी का, स्वराज माई बर्थ राइट हे बाल गंगाधर तिलक जी का। ये गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जो है कौन सी सिटी में? बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कौन सी स्टेडियम? तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? नंदेड। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे? एनी गैसेस, एनी गैस, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ? बस इतना सा सवाल, जन्म कहाँ पे? गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके समय में क्या चीज ऑब्जर्व की गई। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आंसर है, ठीक है, पटना बिहार। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए, रॉर ऑफ इंडिया किसे? देखो, रॉर ऑफ इंडिया अगर मैं कहूँ पठान, तो पठान कौन से हैं? ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू वैसे मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी छोटा नागपुर प्लेटू को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? चीफ, आर्टिकल 324, ये भी आता है क्वेश्चन, आर्टिकल 324 ध्यान रखिए। ठीक है, तो आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेजेंट चलिए, तो कुछ हुड्डू इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हुड्डू कौन सी स्टेट का फोक डांस? देखो, हुड्डू किस स्टेट का फोक डांस है? तो प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि हुड्डू जो है गुजरात का फोक डांस। ठीक है, तो बताइए, निजामाबाद सिटी जो है तेलंगाना में है, सिटी कौन सी नदी मतलब? तो तेलंगाना में तो है ही, नदी कौन सी? तो आंसर है गोदावरी। ठीक है, जैसे अमरावती है ना कृष्णा नदी पे, या ऐसे ही है ना, वैसे ही गोदावरी। चलिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में? ये रहा वो पॉसिबल है टीम। चलिए, ग्रो हेड, चलिए
चलिए इस क्वेश्चन। अच्छा, 12th पास ही नहीं कर, 12th नहीं किया है और डिप्लोमा किया है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी शायद। चलिए उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आसान है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। मलाबो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, मलाबो कौन से देश की कैपिटल है, जल्दी से बोलेंगे। इसके बाद 10 बजे वाला टेस्ट रखेंगे। देखो आज से जो हमारे टेस्ट की सीरीज है वो 10 बजे भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 5 दिन 5 टेस्ट चलेंगे, 16 तारीख, 17 तारीख, 18, 20, ठीक है। फिर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर इसलिए 5 दिन टेस्ट चलेंगे। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का, एक इटेरियल जूनियर इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, हु राइट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय। वैन वाज बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ, ठीक है। लाला लाजपत राय जी का फिर जो निबंध लिया गया था वो लिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे बंगाल का पार्टीशन, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, 1905, ठीक है। अरे मैं थोड़ा आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, ज्यादा ही खराब हो गया, सर्दियाँ एकदम से चेंज आया ना मौसम में, और हम है भी इसकी आदत है नहीं इतनी, मौसम बदलते होते हैं इससे हमारा गला पकड़। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का चीफ सोर्स क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है अमोनिया से बनते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ये किस देश में, बताइए कौन से देश में है ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, कौन से देश। ठीक है, मेरे आंसर के इस क्वेश्चन का, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बारगी डैम कौन सी स्टेट का, ये है मध्य प्रदेश का। देखो डैम हो गया, रिवर्स कहाँ पे है, कौन से शहर में, ठीक है। चलो जैसे कुछ ये सब बहुत आते हैं, जैसे कौन सा है एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल कलर एंड रिफ्लेक्ट नन, इसमें से कोई सा भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब सारे कलर होता है। चलो तो प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर ये, इट्स ब्लैक, ब्लैक कलर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, आप इसमें से तो कॉमन है, ठीक है, बस मीटर किलोमीटर का ध्यान रखना, कहीं किलोमीटर लगाया हो, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का 8,000, ठीक है, 8848, एंड वेरी टेराइन आर वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच माउंट एवरेस्ट, चोटी पे पहुंचना मुश्किल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए कमेंट के लिए, फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द, फायर एस्बेस्टोस के बनते हैं क्या, फायर फाइटिंग क्लोथ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्या, ठीक है। एस्बेस्टोस के बनते हैं फायर फाइटिंग क्लोथ्स, चलो एस्बेस्टोस के बनते हैं। एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये भी रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में बड़े है ना, कि भाई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या देता है, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या देता है, ये तो आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, है ना, फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, चल एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। देखो जैसे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को मिला था, ठीक है, ऐसे ही क्लासिकल्स में जो है क्लासिकल लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेट थे अमर्त्य सेन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए कमेंट करिएगा, संतोष ट्रॉफी आसान है, संतोष ट्रॉफी, डोरेन ट्रॉफी, बीसी रॉय, ये सब ठीक है। संतोष ट्रॉफी वन ऑफ द फेमस है, डोरेन भी फेमस है, ठीक है।
चलिए तो आंसर ये इस क्वेश्चन का, डियर आज मैं लिंकरी से कर पाया, थोड़ा सा लेट ही पूछो। चलिए आंसर, भारत रत्न अवार्ड डिसकंटिन्यू किया गया था। वैसे अभी तो भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है जिसको भी दिया जाए, लेकिन डिसकंटिन्यू किस वर्ष में किया गया? चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का 1977, ठीक है ना? सर आज माहौल नहीं लग रहा है, माहौल लगेगा थोड़े दिनों में यार, थोड़े दिन रुको। पता क्या है, पेपर हुए ना अभी, पेपर के बाद एकदम से कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है ना? तो इस क्लास में तो अभी बच्चे कम ही पढ़ेंगे क्योंकि पेपर एकदम से खत्म हुए हैं। अब दोबारा होंगे तो दोबारा बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, है ना? सीधी सी बात है। अभी जो बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं करो, क्योंकि हम तो 8 बजे रखे हैं क्लास, है ना? भारत रत्न डिसकंटिन्यू हुआ था 1977। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आंसर टेक्स्ट बुक। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बोन सेटिंग में यूज होता है, ठीक है? मतलब प्लास्टर चढ़ाने में किसका बनता है? और ये आंसर क्या है? चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट, अरे गांधी इरविन पैक साइन किया गया किस वर्ष में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से हो देगा। देखो जैसे अगर मैं कहूँ ना गांधी इरविन पैक कौन से वर्ष में साइन किया गया, तो आंसर इस क्वेश्चन 1931, 1931 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सीट लोकसभा की क्या है? आप कोई कहेगा नहीं सर 350 हो चुकी है, आगे 550 हो चुकी है, ठीक है? तो हाँ अगर ऑप्शन में दे तो लगाना, क्योंकि लोकसभा की 2 सीट हट चुकी है ये वाली, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके सामने जो ऑप्शन आए, 552 आए या 550 आए, ये दोनों लगा सकते, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रिक्वेंसी बिलो, ठीक है, 20 Hz है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? बताइए आंसर क्या है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, वीडियो को एक बार ये शेयर भी कर देना, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? अभी इसके बाद 10 बजे भी जुड़ेंगे, ठीक है? तो आंसर इस क्वेश्चन का 5 नवंबर, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखें, एपिक पोएम सावित्री लेजेंड एंड अ सिंबल ये किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। चलो आंसर के इस क्वेश्चन में जल्दी से देख, चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन में श्री अरविंदो, श्री अरविंदो, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, श्री अरविंदो पता ही होगा आपको ना, श्री अरविंदो घोष। चलो जैसे ही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर, कौन सी स्टेट में है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है तो प्यारे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, न्यू दिल्ली, ठीक है? आंसर न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोले वेयर डिड गौतम बुद्ध राइट, गौतम बुद्ध जी का जन्म मृत्यु जो है कहाँ पे, जन्म का भी पूछ सकते हैं वैसे तो, वो तो आसान है, लुम्बिनी नेपाल, मृत्यु का भी बताइए। आज क्या तारीख है?
अच्छा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुशीनगर एम्पायर। ठीक है, ये कहाँ पे, यूपी में कुशीनगर। ठीक है, जूड फेलेक्स फेमस प्लेयर है किस फील्ड के, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जूड फेलेक्स किस प्लेयर, किस गेम के प्लेयर। चलो तो आंसर क्या है, फेमस है खिलाड़ी, आंसर है इस क्वेश्चन का हॉकी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे काल मैक्सन हो गया, ठीक है, पद्मनंद हो गया, हीराकुंड कैप्टन पावर जो प्लांट है कहाँ पे, उड़ीसा में। हीराकुंड पावर प्लांट थी कहाँ पे, हीराकुंड डैम कहाँ पे, उड़ीसा, सब उड़ीसा में, हीराकुंड वाला सही बताइए। हीरा ठाकुर भी उड़ीसा, जैसे आंसर अजंता केव जो है ये क्या डिपिक्ट करता, रिप्रेजेंट व्हाट। चलो तो आंसर देखो, अजंता केव जो है ये रिप्रेजेंट करता है जातक तेल। ठीक है, बोलता हूँ बुद्ध तेज रंग की बात है, जातक तेल से। एक और क्वेश्चन देख, बगलेरा डैम जम्मू कश्मीर में है, चनाब नदी पे, आसान क्वेश्चन। पहली प्राइम मिनिस्टर महिला, प्राइम मिनिस्टर किस देश की, मतलब ना पूछा गया इनका नाम क्या है, देश का छोड़ो नाम बताओ, ठीक है, पता होगा। तो देखो, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया, ठीक है। तो प्यारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन में सिमोका बंदरा के, है ना। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आंसर है उत्तराखंड में है राजा जी। चलो बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, बताइए इसके ऑथर कौन है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है इसके ऑथर कौन। देखो, इसके ऑथर है महात्मा गांधी, कौन है, महात्मा गांधी। ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पे है, बड़ा फेमस, राजस्थान में, राजस्थान में जयपुर में। चलिए बताइए, अल्कली मेटल जो होते हैं, कौन सा अल्कली मेटल जिसके हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है, कौन सा अल्कली मेटल है जिसका, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना क्वेश्चन, एक और, अल्कली मेटल विद द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, बताइए। आज से स्टार्ट करेंगे, माहौल बनेगा धीरे धीरे दोबारा, ठीक है। संडे के गैप से बच्चों को लगता है कि बस पढ़ाई बंद होगी, बट ऐसा होता नहीं है भाई, ठीक है। संडे का गैप कभी भी हो सकता है यार, संडे तो होने के चांसेस है गैप के। चलो ठीक है, आंसर लिखिए, ठीक है, लिखिए आंसर। विच रूलर एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, कौन से रूलर ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी, इस क्वेश्चन का आंसर। सर तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर धर्मपाला, ठीक है, धर्मपाला इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी। विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल, इसमें से कौन सा मेटल है जो सबसे डक्टाइल है, तो ऑब्वियसली गोल्ड है, तार, तार में, शीट में, हर चीज में कन्वर्ट हो सकता है, तार में बेटर, ठीक है। लास्ट रूलर मुगल डायनेस्टी के कौन थे, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ ना मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर, ठीक है, चलिए आंसर है बहादुर शाह जफर सेकंड। बड़े तिपानी फोक डांस है कौन सी स्टेट का, तिपानी फोक डांस है कौन सी स्टेट का, जल्दी से बताइए, ठीक है। तिपानी गुजरात का फोकडांस है ना, गुजरात का। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वेव कैन नॉट बी पोलराइज, इसमें कौन सी वेव है जो पोलराइज नहीं हो सकती। देखो है क्या कि इसमें जो पोलराइज हो सकती है वो ईएमटी नहीं है, अल्ट्रासोनिक इज नॉट ईएमटी, ये सारी जो है ईएमटी बात, क्योंकि ईएमटी ही पोलराइज हो सकती है, लाइट वेव आर पोलराइज है, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी प्रेजेंस से हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, मोनोक्साइड लिखा, आंसर फिर मीथेन। जब कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता तो आंसर होता मोनोक्साइड से नहीं होता, मीथेन से हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सांची स्तूपा कहाँ पे, कौन से स्टेट में सांची स्तूपा, पता है वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड। तो देखो, सांची स्तूपा की अगर मैं बात करूं, बताइए
प्रदेश राज्य सुबह आंसर है इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज जोहार सागर डैम लोकेटेड? बताइए जोहार सागर डैम कहाँ पे लोकेटेड है प्यारे? आंसर इस क्वेश्चन का चंबल। ठीक है चंबल। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे वाला क्वेश्चन है, हाईएस्ट परसेंट आई आयरन के कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें से क्या है? हेमाटाइट में है आयरन। ठीक है दिलवाड़ा टेम्पल फेमस है कौन सी स्टेट में? यह आसान है। ठीक है दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान में है क्या? राजस्थान दिलवाड़ा टेम्पल जैन टेम्पल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी सेम डायमेंशन इसमें से किसका है? वर्क एंड पावर, मोमेंटम पावर, वर्क एनर्जी, फोर्स एंड पावर, किसका सेम डायमेंशन? अरे बेटा 10 बजे जरूर जुड़ना, आज एक लाइव टेस्ट होने वाला है। ठीक है बहुत खतरनाक क्वेश्चन का होगा, 10 बजे लाइव टेस्ट, बिल्कुल नए क्वेश्चन चलते हैं। बताइए आपको 10 बजे जब भी क्लास होगी होती तो आज भी होगी क्लास, तो उसमें बहुत अलग क्वेश्चन चलेंगे। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का वर्क एंड एनर्जी। लडमार होली सेलिब्रेट की जाती है यूपी में, यूपी में बरसाना। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देख, ये हो गया क्वेश्चन, ब्लू रेवल्यूशन किससे संबंधित? ठीक है देखो प्यारे ब्लू रेवल्यूशन संबंधित है फिर से, एक और क्वेश्चन देखिएगा कमेंट करिए जल्दी चलेगा। इफ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम द मिल्क एट डेंसिटी, जो मलाई है उसको अगर हम हटा देंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आशुतोष मुखर्जी जो है किससे संबंधित, मतलब क्या इनका निकनेम क्या था इसमें? ठीक है बंगाल केसरी, बिहार विभूति, बंगाल टाइगर, स्मार्ट ऑफ इंडिया। आसान है बंगाल केसरी, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी है फुटबॉल की। जलक जरियाकट्टू जो है ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ठीक है डियर अभी मैं करंट अफेयर में इतना फोकस कर चुका हूँ, एक बार जो मैंने वीडियो 4 घंटे की इस चैनल पर डाली है ना वो देख लो। ठीक है फिर एक और डाली है 2 घंटे की, अब 2 करंट अफेयर की वीडियो डाल रखी है वो देख। जरियाकट्टू जो है ये तमिलनाडु, विच क्रॉप कौन सी ऐसी फसल है जो लार्जेस्ट एरिया में है हमारे भारत में, सबसे ज्यादा हो जाती है? राइस उगाए जाते हैं, खाए जाते हैं, भिजाए जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है लो हेरिडिटी का कंसेप्ट किसने दिया? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लो हेरिडिटी हमसे? क्या चलो जैसे भी है ना लो ऑफ हेरिडिटी जॉर्ज मेंडल। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ ब्राजील? ठीक है आंसर इज ब्रसिलिया, ब्रसिलिया एंड रियाल। ठीक है सेंट ऑफ क्यूट्रस किने कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सेंट ऑफ क्यूट्रस? ये आसान क्वेश्चन को, मदर टेरेसा जी को ठीक है ये कहा जाता है निकनेम है। मारो भारत सरो भारत किताब के ऑथर का नाम बताए? ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर होते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मारो भारत सारो भारत। ठीक है कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का रतन, ठीक है सुंदर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, चाकरी उत्तर प्रदेश में है किस नदी के किनारे? चाकरी ये मुश्किल है नया क्वेश्चन, चाकरी ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर है गंगा, यमुना बता रहे यार आंसर। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? ये आसान क्वेश्चन है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ठीक है आंसर है बीआर अम्बेडकर जी। ठीक है तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है बीआर अम्बेडकर जी आंसर।
तो दोस्तों पहली बात तो ये क्लास का माहौल बनने में थोड़े दिन लग सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम से फ्री हुए हैं, लेकिन पढ़ेंगे तभी। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करिएगा पीडीएफ के लिए। पीडीएफ मैं तभी डालता हूँ जब बहुत बल्क पीडीएफ हो। आप देखो मेरी जो भी पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल है वो बड़ी पीडीएफ है। आप कोर्सेस ज्वाइन करके अभी पेड बैचेस में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे क्योंकि उसमें अभी थ्योरी चल रही है। समय है, जब समय होता है तभी हम थ्योरी स्टार्ट कराते हैं। तो अभी समय है, जैसे आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में आरआरबी जेई है जो नेक्स्ट टारगेटेड एग्जाम है, ठीक है। और वैसे भी जो है ना कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप अभी चेक कर लीजिएगा ऑफर है या नहीं है, ठीक है, डिपेंड, ठीक है। अमनदीप कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये यूटिलाइज करो। अभी 10 बजे मैंने एक टेस्ट कराऊंगा, वो टेस्ट आपको 10 बजे ही मिलेगा। 10 बजे की टाइमिंग नोट रखिएगा कि भाई हाँ 10 बजे टेस्ट देना, मिस मत करना टेस्ट को, ठीक है। कोई भी, चलो तो फिर मिलते हैं आप सभी से। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10 बजे टेस्ट में जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सब।